का मेरे इस चैनल शेयर नॉलेज पुणे में आपका स्वागत है। हर बार की तरह इस बार भी एक ऐसा शेयर लेके आया हूँ जो कि आने वाले समय में आपको अच्छे रिटर्न दे सकता है। जी हाँ, मात्र 210 रुपए का ये शेयर है। इस कंपनी का हम वनडे का चार्ट देखते हैं, 5 डेज का चार्ट देखिए, 1 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 5 ईयर और इसका मैक्सिमम चार्ट देखिए। जी हाँ, इस शेयर में ग्रोथ है, इस कंपनी का फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है। जी हाँ, इस कंपनी का नाम है स्टार सीमेंट लिमिटेड। जी हाँ, मात्र 210 रुपए 85 पैसे का ये शेयर है। इस कंपनी का हम फंडामेंटल देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये कंपनी दोनों ही स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। इसके बाद इस कंपनी का जो मार्केट कैपिटल काफी शानदार है, 8,500 करोड़ के आसपास का है। वही करंट मार्केट प्राइस 212 रुपए के आसपास है। 52 वीक हाई 256 रुपए, वही 52 वीक लो 147 रुपए के आसपास का है। कंपनी का फेस वैल्यू 1 रुपए का है, ठीक है, और कंपनी के पास 147 करोड़ के आसपास का डेट है। ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। कंपनी का जब हम मैक्सिमम चार्ट देखते हैं तो आप देख सकते हैं ये कंपनी ने 200 डे मूविंग एवरेज का एक अच्छा खासा सपोर्ट लिया है। जैसे कि जब भी आप किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको देखना होता है 200 डे मूविंग एवरेज का एक सपोर्ट लिया है, उसके बाद इस शेयर में अच्छा खासा मोमेंटम आ गया है। तो जब भी आप किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप भी एक बार 200 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट जरूर देखें, उसके बाद ही आप उस शेयर में इन्वेस्टमेंट कीजिएगा गाइस। इसके बाद हम इस कंपनी का क्वार्टरली प्रॉफिट देखते हैं तो आप देख सकते हैं हर एक साल में, हर एक क्वार्टर में कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया है। इसके बाद इस कंपनी का जब हम ईयरली प्रॉफिट देखते हैं तो आप देख सकते हैं काफी शानदार इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट भी है। इसके बाद इस कंपनी का जब हम रिजर्व देखते हैं तो आप देख सकते हैं 2,000 करोड़ के आसपास का रिजर्व है, वहीं बोरोइंग 147 करोड़ के आसपास की बोरोइंग है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 66% के आसपास प्रमोटर का हिस्सा, जो कि काफी शानदार है। जब भी आप किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 50% के ऊपर प्रमोटर होल्डिंग वाले शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो आप शेयर देख सकते हैं यहाँ पे 68% है, जो कि काफी शानदार है। वहीं इसमें FIS 26% के आसपास इसमें पब्लिक की होल्डिंग है। वहीं इसमें FIS और DIS भी काफी मात्रा में इन्वॉल्व है। तो देखते हैं कौन सी कंपनी ने इसमें इन्वेस्टमेंट करके रखा है। तो आप देख सकते हैं SBI फ्लेक्सी कैप फंड ने इसमें इन्वेस्टमेंट करके रखा है, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन बन जाते हैं। इसके बाद मैं आपको मनी कंट्रोल की वेबसाइट के ऊपर लेके आया हूँ। तो मैं मनी कंट्रोल की वेबसाइट के ऊपर इसलिए लेके आता हूँ, यहाँ पे आपको कम्युनिटी सेंटीमेंट मिल जाती है। यानी जब भी आप किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप आग बंद करके मनी कंट्रोल कीजिएगा, एक बार मनी कंट्रोल की वेबसाइट के ऊपर आके जरूर देखिएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्राइडे के दिन इसमें 2.64 रुपए का एक अप लगाया था फ्राइडे के दिन, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे 100% लोग इस शेयर को बाय करने के लिए अपनी राय देना। गाइस जब भी आप किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप भी एक बार मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे कम्युनिटी सेंटीमेंट जरूर देखें, जिससे कि आपको भी एक आइडिया हो जाए कि जो शेयर आप बाय करने जा रहे हैं उसके बारे में लोगों का क्या ओपिनियन है, कितने परसेंट लोग इस शेयर को बाय करने के लिए अपनी राय दे रहे हैं। गाइस एक्सिस सिक्योरिटी ने भी इस शेयर के ऊपर एक अपडेट दिया है। उन्होंने कहा है कि स्टार सीमेंट लिमिटेड का शेयर है, इनका जो टारगेट है वो 250 रुपए तक का एक टारगेट उन्होंने बना के रखा है कि आने वाले समय में ये 250 रुपए तक ये जा सकता है। ऐसा एक्सिस सिक्योरिटी ने भी एक ब्रोकरेज फर्म है उसने ये अपडेट दिया हुआ है। गाइस अगर आपको भी ये शेयर बाय करना है तो आप भी उस शेयर के ऊपर थोड़ी स्टडी कीजिए, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट कीजिए गाइस। ऐसा अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक इजीली पहुंच जाए। क्योंकि मेरे इस चैनल पे हमेशा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर ही सजेस्ट किए जाते हैं, और बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच जाए।